Good morning, class 11th. Today I'm going to start my second chapter from the Indian Constitution at Work. The name of the chapter is The Rights in the Indian Constitution. Lekin isse pehle ki hum padhe The Rights in the Indian Constitution, I will like to discuss with you about the Bill of Rights. Bill of Rights ko janne ke liye sabse pehle zaruri sirf itna hai janna That we all need rights. हम सब लोगों को अधिकार की जरूरत होती है और ये rights को guarantee करना कि it should be provided to all. Number two, इसको protect करना so that they can't be taken by any citizen, organization or institution. Thirdly, recognize करना कि whether a citizen is exercising his right is in the welfare of the masses or not bahut zyada zaruri hai here I have discussed three things guarantee ki adhikar mile hi mile protected ki koi adhikar le na sake recognize ki jo adhikar hain wo sahi tarike se kaam karte hain ya nahi karte hain jab in rights ko hum protection dete hain aur hum inhe mention karte hain in our law book That is called as constitution. We call them as Bill of Rights. Got it? In a democracy, every individual is having a right that certain rights should be given to him by the government and government should recognize them. Ye Bill of Rights ki three advantages hain. Number one, It prohibits रोकता है government को for acting against the rights of citizens. ठीक है example देना चाहे हम तो like we all are having a freedom to express ourselves. If we are not basically humiliating anyone or entering into the personal area of any person, तो government हमें हमारे expression देने से रोक नहीं सकता है Similarly, sometimes it is observed that the rights of the person may be threatened, may be endangered, may be taken away by any other person. तो उसको guaranteed करना, उसको mention करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And thirdly, these Bill of Rights is very much important because it helps in the functioning of the government. Organs of the government. अब जब हम इन rights की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं sometimes it has been observed that the right of the person is in such a way that it may lead to major political events. So government यहाँ पर एक role play करती है कि वो individual के rights को protect कर सके बिल ऑफ राइट्स का सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो यूएसए में आया था यूएसए में इसे अमेंडमेंट्स के रूप में हमने इंट्रोड्यूस किया था इसको हमने क्रिएट किया था 1789 में द सेम ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड द डेट हैज बीन मेंशनड ओवर हियर दैट इज 25th of September इन बिल ऑफ राइट्स के जो उस समय ऑथर था वो कोई एक पर्सन नहीं था यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस थी यूनाइटेड स्टेट्स में जो कांग्रेस है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है वो लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूएस कांग्रेस इज अ लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सिमिलरली बिल ऑफ राइट्स को हमने और भी लिया है इन साउथ अफ्रीका जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखा गया था व्हेन नेल्सन मंडेला वाज फ्रीड फ्रॉम द प्रिजन इन 1994 ही वाज फ्रीड एंड अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया 1996 में समवेयर इन 1996 बिल ऑफ राइट्स को कॉर्नरस्टोन आधार बेस माना जाता है डेमोक्रेसी का इस बिल ऑफ राइट्स में साउथ अफ्रीका में सबसे स्पेशल बात ये है वो फॉरबिड करता है फॉरबिड का मतलब है मनाई करता है डिस्क्रिमिनेशन
सिर्फ स्किन कलर पर नहीं, यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू हाईलाइट ऑल ऑफ देम. लाइक ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन रेस, जेंडर, समझ में आ गया, धर्म पर, ओरिजिन पर, प्रेगनेंसी वुमेन्स को रिगार्डिंग है, स्किन कलर पर, एज पर, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं यानी कि मैरिटल स्टेटस पर, एथनिक और सोशल ओरिजिन पर, लैंग्वेज पर, कल्चर पर, डिसेबिलिटी है अगर तब भी, या बाय बर्थ. इसके अलावा आपके बुक में एक स्पेशल कॉलम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ओके, जहां हम कहते हैं देयर आर सम ऑफ द राइट्स व्हिच हैव बीन इंक्लूडेड इन द साउथ अफ्रीका. यहां 6, 7, 8 राइट्स दिए हुए हैं, राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ठीक है, चिल्ड्रंस राइट, राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. हम सभी ये राइट्स को एक बार अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे. अब जो मैंने यहाँ डिस्कस किया वो मैंने बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए डिस्कस किया, मैंने बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीका डिस्कस किया. कल मैं करूंगी बिल ऑफ राइट्स इन इंडिया. यहाँ इसका नाम बच्चे बदल जाएगा. प्लीज कल जो हम टॉपिक करेंगे, अब ये वाला चैप्टर साथ साथ करते रहिएगा.